आप देख रहे हैं आज तक पर गुरु की गुगली वर्सेस कैप्टन का बाउंसर। कैप्टन अमरिंदर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन तेवर उनके तने हुए हैं कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया गया मुख्यमंत्री तो फिर वो अपनी मंशा स्पष्ट कर देंगे। पाकिस्तान से रिश्ते भी जोड़ दिए हैं उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के। फिलहाल आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से बड़े कारण हैं और कब से दोनों में तलवारें तनी हुई हैं, खिंची हुई हैं, जिसके कारण कहा जाता है कि सिद्धू और कैप्टन में कभी नहीं बनती है। पंजाब में राजनीतिक महत्वाकांक्षा दोनों की ही है। अमरिंदर और सिद्धू में किस बात का झगड़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर पर इन दोनों के भीतर मतभेद दिखे थे। करतारपुर कॉरिडोर पर वो मतभेद खोलकर सामने भी आ गया था। चुनाव प्रचार के दौरान सिद्धू ने कन्नी काट ली थी और इस वजह से भी कैप्टन अमरिंदर ने लगातार उन पर निशाना साधा था। दरअसल आरोप लगते रहे कि पत्नी को सिद्धू दिलाना चाहते थे टिकट, जिसको लेकर अमरिंदर तैयार नहीं थे। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाने से कैप्टन खफा थे। अपनी बातें कांग्रेस आलाकमान तक वो कई बार पहुंचा भी चुके थे। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाते समय कैप्टन से पूछा तक नहीं गया था, ये जानकारी भी निकलकर सामने आई थी। कैप्टन के खिलाफ सिद्धू समय समय पर बयान देते रहे, यानी कि उनके कामकाज को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सवाल खड़े करते रहे। कैप्टन सरकार के कामकाज पर सिद्धू की बार बार तल्ख टिप्पणी भी देश ने देखी थी और उन्हें रोकने की कोशिश कोई नहीं करता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पंजाब में राजनीतिक महत्वाकांक्षा, कैप्टन मुख्यमंत्री थे तो नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन अब कैप्टन ने कह दिया है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया गया मुख्यमंत्री तो फिर ठीक नहीं होगा। पंजाब में पिछले कई दिनों से कैप्टन बनाम सिद्धू की लड़ाई जारी थी। अब इस लड़ाई के बीच कैप्टन ने पंजाब में अपनी टीम छोड़ दी है। पंजाब की सियासी फिजाओं में दिनभर हलचल मची रही, बैठकों का दौर चला, तमाम अटकलें लगाई गई, कयासबाजी भी हुई और आखिरकार विधायक दल की बैठक से पहले अमरिंदर सिंह अपना इस्तीफा लेकर राज्यपाल के पास पहुंच गए। कैप्टन बनाम सिद्धू वाली पॉलिटिक्स से पंजाब का सियासी ताप पहले ही बढ़ा हुआ था। दिन बढ़ने के साथ पंजाब की सियासत ने जैसा उफान पकड़ा, उससे साफ हो गया कि इस बार तो लड़ाई आर पार की होगी। हर किसी की नजर विधायक दल की बैठक पर थी। कांग्रेस नेता अजय माकन और हरीश चौधरी नेताओं से बातचीत कर रहे थे कि इसी बीच सिद्धू के एक सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने ट्वीट कर कयासबाजी को तेज कर दिया। 2017 में पंजाब ने हमें 80 विधायक दिए, लेकिन दुखद है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छा मुख्यमंत्री पंजाब को नहीं दे पाई। पंजाब के दुख और दर्द को समझते हुए अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए। सिद्धू के सलाहकार का ट्वीट आते ही अमरिंदर ने भी अपने तेवर दिखाए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाए जाने से अमरिंदर पहले से ही नाराज थे और जब बात सीएम की कुर्सी तक पहुंच गई तो उन्होंने सोनिया गांधी से बात करके अपने अगले कदम का संकेत दे दिया। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से बात में यह साफ कर दिया, अगर उन्हें इसी तरह दरकिनार किया जाता है तो वो सीएम रहने के इच्छुक नहीं। यानी अमरिंदर सिंह ने भी साफ संकेत दे दिया कि खुद के खिलाफ जारी खेमेबंदी अब वो बर्दाश्त नहीं करने वाले। पंजाब में मची इस कलह के बीच प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने एक ट्वीट से खलबली मचा दी। जाखड़ ने अपने ट्वीट में कहा कि पंजाब को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा फैसला ले लिया है। राहुल गांधी ने बेहद उलझी हुई गुत्थी के पंजाबी संस्करण के समाधान का रास्ता निकाल लिया है। आश्चर्यजनक ढंग से नेतृत्व के इस साहसिक फैसले से न सिर्फ पंजाब कांग्रेस के झगड़े को खत्म किया गया है, बल्कि इससे कार्यकर्ता भी खुश हो गए हैं। इसने अकालियों की बुनियाद हिला दी है। जाखड़ के इस ट्वीट ने अटकलों के बाजार को और गर्म कर दिया। चर्चा यहां तक होने लगी कि विरोधी खेमे के विधायक विकल्प के तौर पर सुनील जाखड़ को सीएम बनाने की मांग कर सकते हैं, क्योंकि जाखड़ हिंदू सिख सीएम और जाट सिख प्रदेश अध्यक्ष वाले फॉर्मूले में भी फिट हो सकते हैं। हालांकि इस चर्चा के बीच पेच ये था कि जाखड़ खुद अभी विधायक नहीं। कहा यह भी गया कि सिद्धू या जाखड़ के नाम पर रजामंदी नहीं बनी तो कोई तीसरा नाम भी सामने आ सकता है। इन अटकलों और चर्चाओं के बीच कैप्टन अमरिंदर ने समर्थक विधायकों के साथ फिर बैठक की, लेकिन सिद्धू के दाव ने इस बार कैप्टन का जैसा घेराव किया उनके पास ज्यादा मौका रह नहीं गया। कभी खुद को कैप्टन का सिपाही बताने वाले सिद्धू ने उनका ही तख्ता पलट कर दिया और पंजाब कांग्रेस की राजनीति में अपना परचम लहरा दिया। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। सीएम पद से इस्तीफा देने को मजबूर हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब की सियासत में अलग पहचान है। अमरिंदर सिंह अपने दम पर उन्होंने पार्टी में
नई जान फूकी थी और सरकार की कमान भी वो संभाल सकते हैं। ये वो कई बार साबित भी कर चुके हैं। राजनीति में कैप्टन को जुझारू नेता के तौर पर जाना जाता रहा है। यही वजह है कि अब सबकी नजर कैप्टन अमरिंदर के अगले कदम पर टिकी हुई है। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ आज। सियासी उठापटक के बीच जिस अंदाज में कैप्टन अमरिंदर ने अपना इस्तीफा सौंपा वो बता रहा है कि पंजाब की पॉलिटिक्स की पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस में जान फूकने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। नवजोत सिंह सिद्धू भले ही अपने तेवर के लिए जाने जाते हों, लेकिन राजनीति में कैप्टन का बड़ा जनाधार है और इसी के दम पर वो भविष्य की राजनीति की संभावनाओं की बात कर रहे हैं। मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है? फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। किसी मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। सर जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज आफ्टर आई डोंट मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हूं अपने जेड़े मेरे साथी ने जो मेरे सपोर्टर्स ने जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए 52 इयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भविष्य में कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे क्या? क्या अमरिंदर नई सरकार आराम से चलने देंगे या सही समय आने का इंतजार करेंगे? क्या इस अपमान का बदला अमरिंदर सिंह कांग्रेस को तोड़कर करेंगे? क्या नई पार्टी बनाकर नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे या पंजाब में अमरिंदर बीजेपी की कप्तानी संभालेंगे? Well, give me time. I have to see. लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ स्टैटिक गेम, इट इज अ मूविंग गेम एंड इसमें देयर इज ऑलवेज ऑप्शंस एंड जो ऑप्शंस होंगी तो देखेंगे। मैंने पर अपने साथियों के साथ मैंने बात करनी है। आई हैव टू गो एंड सी 52 इयर्स में कितने पॉलिटिक्स के हमारे साथी बन जाते हैं, कितने लोग होते हैं जो आपके साथ में है, कोई पार्लियामेंट में है, कोई असेंबली में है, कोई किसी, सबको डिस्कस करके फिर करेंगे। अमरिंदर आगे की राजनीति पर साफ साफ कुछ नहीं कह रहे। यही वजह है कि विरोधी भी इस मौके पर अमरिंदर के बजाय सिद्धू को निशाने पर ले रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहीं तहीं बंटा धार। सच में राजनीति रुका हुआ खेल नहीं है। क्षेत्रीय क्षत्रप के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अमरिंदर सिंह की राजनीति का तरीका कुछ ऐसा ही है। 2017 विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में ही पार्टी ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की। तब अमरिंदर की अगुवाई में कांग्रेस ने न केवल अकाली दल को शिकस्त दी बल्कि आम आदमी पार्टी के सपने भी चकनाचूर कर दिए। अमरिंदर सिंह के विरोधी भले ही उनके इस्तीफे को अपनी जीत माने, लेकिन उनके राजनीतिक सफर में उतार चढ़ाव कई बार आए। 1980 में सांसद के तौर पर उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। 1984 में स्वर्ण मंदिर में सेना की एंट्री के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी और सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। 1985 में वो अकाली दल में शामिल हुए। फिर 1995 के चुनाव में लोंगोवाल से विधायक के तौर पर चुने गए। सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार में वो कृषि मंत्री भी रहे। बाद में उन्होंने पंथिक अकाली दल का गठन किया जिसका 1997 में कांग्रेस में विलय हो गया। 1999 में अमरिंदर को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी गई और 2002 में वो पार्टी को फिर से सत्ता में ले आए। 2002 से 2007 तक अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 2014 में मोदी लहर के बावजूद उन्होंने लोकसभा चुनाव में अमृतसर सीट से बीजेपी नेता अरुण जेटली को 1 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया। 2017 में पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और तब से वो मुख्यमंत्री पद पर बने हुए थे। अब सीएम पद से विदाई के बाद अमरिंदर के अगले कदम का इंतजार है, क्योंकि अमरिंदर का अगला कदम पंजाब की राजनीति की भविष्य की दिशा तय करेगा। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। कैप्टन, क्या आप अलग टीम बनाएंगे कांग्रेस से, अलग होकर, अलग हटकर, या फिर कांग्रेस के साथ ही जाएंगे? क्या होगा नवजोत सिंह सिद्धू का रोल? कई ऐसे सवाल हैं जिसके लिए हमें करना होगा थोड़ा इंतजार। लेकिन कल विधायक दल की बैठक के बाद माना जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा पंजाब का, इस पर से पर्दा हट सकता है। इस खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।